स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक नई वैकेंसी की अपडेट लेके आ रहे हैं। ये वैकेंसी है पंचायत सेक्रेटरी के लिए। तो इस वैकेंसी में पंचायत सेक्रेटरी के साथ साथ और भी कई पद हैं और कुल मिला के उनकी संख्या है 945। और इसके लिए सैलरी मिलती है आपको 14,000 से लेके 49,000 ग्रेड पे पे। तो हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों के नाम बताने जा रहे हैं जिन लोगों ने पिछले बार के क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। उनका नाम है प्रीति गुप्ता, प्रियंका केसरवानी, राजीव कुमार और शरद कुमार सिंह। तो आज भी हम वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। तो इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप शुरू होता है 22 दिसंबर से और इसका लास्ट डेट है 16 जनवरी 2018। और इस वैकेंसी में जनरल कैंडिडेट के लिए देना है 250 रुपये और एसी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए देना है केवल 150 रुपये। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि पोस्ट नेम। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसमें कई तरह के पोस्ट हैं, तो आइए हम पोस्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। पहला पोस्ट है टैक्स कलेक्टर के लिए, तो यहाँ पे कुल मिला के पोस्ट है 450, जिसमें जनरल के लिए 214, ओबीसी के लिए 122, एसी के लिए 32 और एसटी के लिए 68 और पीएच कैंडिडेट के लिए 14 पोस्ट है। अगला है ग्राम सेवक, तो इसके लिए कुल मिला के 147 पोस्ट है। और उसके अगला है जूनियर असिस्टेंट, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए कुल मिला के 100 पोस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, तो इसके लिए कुल मिला के 150 पोस्ट है, जिसमें से जनरल को 70, ओबीसी के लिए 41, एसी के लिए 11, एसटी के लिए 23 और पीएच कैंडिडेट के लिए 5 सीटें मिलती है। और अगला है एक्सटेंशन ऑफिसर पंचायत में, तो यहाँ कुल मिला के 74 पोस्ट है। और अगला है जूनियर असिस्टेंट हेडक्वार्टर, तो इनके लिए भी 24 पोस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे है कि लोकेशन, तो ये वैकेंसी आती है असम से और आपकी एज कैलकुलेट होती है 1 जनवरी 2017 के दिन। इस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 बरस और अधिकतम 43 बरस होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। आगे है कि पे स्केल, तो हम ये पे स्केल आपको बता चुके हैं कि ये पे स्केल है 14,000 से लेके 49,000 ग्रेड पे। तो आगे बढ़ते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसमें कई तरह के पद हैं और आपको हर पद के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप ज़्यादा डिटेल के लिए नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। और अगला है कि हाउ टू अप्लाई, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप PNRD असम की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं 22 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी 2018 तक। और आगे है कि डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो इस फॉर्म को फिलअप करते समय आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि एज प्रूफ, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। और अंतिम है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, तो ये केवल एग्जाम के बाद सिलेक्शन हो जाता है। तो आज की वैकेंसी में बस इतना ही। अब समय है आज के क्वेश्चन का, तो चलिए हम आपको आज का क्वेश्चन दिखाते हैं। आपका क्वेश्चन है, आज है 23 दिसंबर और आपका क्वेश्चन है एक सीरीज से, और आपकी सीरीज है एक्स क्यू के एफ और आपके ऑप्शन है सी डी ई और बी। तो आपको बता देना है कि इस सीरीज में एक्स क्यू के और एफ के बाद इन चारों में से क्या आएगा। अपना उत्तर कमेंट करके बताइए और जितना हो सके डिटेल में कमेंट करने की कोशिश करिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम कई तरह के मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। फाइनली स्टडी और जॉब से संबंधित कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।